अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन पॉपकॉर्न, जिसके लिए हमने ये चिकन लिया हुआ है बोनलेस और ये छोटे छोटे इसके पीस बनाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी है, ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लें, ये चिली फ्लेक्स है, ये 1 चम्मच देखिए चाट मसाला है, और ये 1/2 चम्मच गरम मसाला है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच, और ये थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी डालेंगे, ये 1 चुटकी सोडा डालेंगे, और ये इसमें अंडा डालेंगे हम, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और ये 1 चम्मच हम मैदा डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। ये हम 2 चम्मच विनेगर डालेंगे, ऐसे भी अच्छे से इसमें मिला लेंगे। और ये 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे, और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अब इसे 1/2 घंटा हो चुका है, अब इसको फ्राई करेंगे। ये कढ़ाई हमने गैस पे चढ़ा दी है, अब इसमें हम तेल डालेंगे फ्राई करने के लिए। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ये चिकन पॉपकॉर्न फ्राई करेंगे। ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हमने गैस धीमी कर ली है, अब इसमें हम इसको डालेंगे। धीमी आंच पर इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। ये देखिए चिकन पॉपकॉर्न जो है अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे चिकन पॉपकॉर्न को जो है फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये चिकन पॉपकॉर्न बनके तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।